जय माता दी साथियों, सभी व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को सुबह की राम राम। आप देख रहे हैं फिर एक नई और प्यारी सी सुबह हो गई है। पहाड़ों में सुबह सुबह धूप खिल गई है, चिड़ियों की चहचहट की आवाज़ें आ रही हैं, सभी वृक्ष फलों से लदे हुए। और ये कल हमारे गेट पे एक कोट टेंट लग गया था और ऊपर गेट पे हमारी लाइटें भी लग गई थी। ये कल नीचे वाली जो हमारी रेलिंग है इस पे भी गोल वाली लाइटें लग गई थी और ऊपर वाली सारी रेलिंगों में भी 17 लाइटें कल लगी थी। ये दो लाइटें थोड़ा सा हम चेंज कराने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ी साइज में और थोड़ा प्रीमियम में लेके आएंगे, बाकी तो सारी ठीक है। इधर काम की बात करें, ये हमारा जो 4 पिलर हमने खड़े कराए थे कल, इस पर हमने फर्श डलवाई थी और इस पर लिंटर पड़, इस पर अब टिन टिन की छत पड़ जाएगी, टाइल्स वगैरह लग जाएंगी, तो हमारे योगा के लिए, डीजे पार्टी के लिए और बोन फायर के लिए ये काम करेगा। अभी स्पेस बहुत है हमारे पास, आगे फिर जैसा जैसा होगा आगे डेवलप करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है काम कराने में। अभी काम हमारा है एक आध दिन का, नीचे का काम और रह गया है। यहाँ आए साथियों, हमारा महीना पूरा ही होने वाला है। पहाड़ों में आके इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि यहीं के ही रहने वाले हैं हम। बहुत ही प्यारा मौसम लगता है यहाँ का। यहाँ आके अब ऐसा लगता है कि बस ईश्वर अब यहीं पे हमेशा का बसेरा बना दें, क्योंकि इतना ठंडा मौसम है। टेम्परेचर की बात करें तो भी वही 13-14 डिग्री का टेम्परेचर होगा सुबह का। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टाइम यहाँ पे, एकदम ठंडा, ऐसा लग रहा है कि हम यहीं के ही रहने वाले हैं। दिल्ली की याद आती है, वहाँ की गर्मी की याद आती है तो कब कभी सी छूट जाती। कुदरत के अलग अलग रूप है, पहाड़ों को देखो, प्राकृतिक चीज़ें इतनी अच्छी हैं। यहाँ के स्वास्थ्य में सुधार हो गया, मेहनत करना सीख गए, धीरे धीरे करके यहाँ की लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं, सीख रहे हैं। ये हमारी सीढ़ियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं और बहुत ही ऊंचाई तक जाती हैं। ये हमारी ऊपर की सारी रेलिंगों के एक कोट के पेंट हो गए हैं। मम्मी काम कर रही हैं। ये हमारे ऊपर फ्लोर की जाने की सीढ़ी है, ये आप देख रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग होती है, जो जो छतों में बारिश का पानी आएगा उसको भी हम यहाँ टैंक तक ला रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ कनेक्शन करा दिया है, जिससे पानी बर्बाद ना हो, हम पानी को सेव कर सकें। बारिश का जो भी पानी होगा, यहाँ बहुत शुद्ध पानी होता है, हम इसे टैंक तक ले आए। दो हमने कीपें लगवाई हैं, एक वो सामने देख रहे हैं वहाँ का पानी, ये पाइप के थ्रू आ रहा है पूरा, ये सारा आके हमारे टैंक में स्टोरेज होगा। ये हमारा जो टैंक है इसी में आके सारा पानी इसी में स्टोरेज होगा। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये धामपुर बिजनौर से आए हुए हैं और अभी कुछ दिन यहाँ होम स्टे में रुकेंगे, तो
तो ये हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, हमको बहुत गाइड भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, रेगुलर कमेंट्स वगैरह भी करते हैं और बहुत सारा इनका प्यार हमको बराबर मिलता रहता है। तो आज इनकी पूरी फैमिली हमारे साथ आई हुई है, ये लोग आए, हमको बड़ा अच्छा लगा। सर थोड़ा बताइए आपको यहाँ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ का नेचर है बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ मौसम तो बड़ा ठंडा है, दोपहर थोड़ा सा यहाँ गर्म हो जाता है और सुबह शाम हो जाता है, वो सभी जगह होता है। और छोटू आपका क्या नाम है बेटा? तो गुड़िया आप पढ़ रही हो आप? अभी तो छुट्टियां होंगी आप लोगों के। यहाँ का यही है कि वैली इतनी खूबसूरत है ना कि जो भी आ जाता है ना दिल खुश हो जाता है। हाँ ओपन वैली है, बढ़िया। हाँ बहुत शानदार वैली। और हमारा कंस्ट्रक्शन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। ये किचन में हमारी प्रीति जी लगी हुई है, क्या बन रहा है प्रीति? अच्छा पोहा बना रही हो, ये गरम गरम मूंगफली तल ली इन्होंने, अब पोहा बनने जा रहा है। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करेंगे। प्रीति जी आपका खाना खजाना है और मेरा तो भाई दिन रात लगे रहना है काम में। बोर तो नहीं हो रही यहाँ? ये हमारे रेलिंग में एक और पेंट लग गया है, इधर एक छोटी सीढ़ी थी कल, इस पर भी टाइल लगवा दी है। ये पानी का टैंक और ये हमारी सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं। ये वाटर हार्वेस्टिंग का हमने वो बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए बनाया हुआ है। इधर भी एक कोट कलर पेंट लग गया है। ये सारी रेलिंग में लाइटिंग लग गई हैं, ये हमारे पेंटर साहब लगे हुए हैं, देखो फाइनल कोट मार रहे हैं। ये रेलिंग हमारी ऊपर की, दो कीपे लगवाई हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, एक इधर से आ रही है और पाइप का कनेक्शन। ये देख रहे हैं हमारा बहुत बड़ा बरामदा, ये जो आप एक छोटा सा टेबल जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे हम फाउंटेन लगाएंगे। ये हमारा रूम, अभी ये हमारी टीवी कैबिनेट और ये हमारी अलमारी। अभी इस रूम में फोर सीलिंग हो जाएगी आज, ये बेड और इसकी साइड टेबल है और एक बेड, ये छोटा बेड। ये हमारा वॉशरूम, ये भाई साहब भीमताल से आए हुए हैं और हमारे यहाँ फोर सीलिंग का काम चल रहा है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। यदि आपको रूम लेके चलता हूँ, इस पर भी ये कि टीवी कैबिनेट है, ये अलमारी और ये बेड। अभी सारी गंदगी इसलिए हो गई है, इसमें फोर सीलिंग का काम चल रहा है, अभी एक घंटे में सारा फाइनल हो जाएगा। फोर सीलिंग की डिजाइन आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। व्हाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनस। आज हो जाएगा? कितना टाइम दे देंगे रूम में? एक घंटा लग जाएगा। चलो बढ़िया काम कीजिएगा जिससे अच्छी फिनिशिंग आए, इसको साफ सफाई कराएं, रोड फिर फाइनल हो जाएगा। साथियों जब मेहनत को पंख लग जाते हैं तो एक ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। आज हमारी मेहनत को पंख लग गए, हमारी मेहनत सफल हो गई, आज हमारा प्यारा सा और सुंदर कॉटेज अब रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। बस लास्ट फोर सीलिंग का काम चल रहा है, बस उसका साफ सफाई हो जाएगी और बाकी हमारा काम सारा फाइनल पे है।
ये हमारा बहुत ही बड़ा बरामदा है और यहाँ इतनी ठंडी हवा आती है सुबह सुबह और यहाँ से वैली के क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत वैली पीछे दिखाई देती है। ये हमारा 10.5 x 32 फुट का 33 फुट का बरामदा है। आज 23 दिनों बाद जीन्स और टी शर्ट डालने का मौका मिला, नहीं तो लोअर और टी शर्ट ही चलते थे क्योंकि यहाँ रोज लेबर का काम होता था। अब जाके थोड़ा सा काम से फ्री हुए। साथियों, ये बुद्धा है हमारा, अभी यहाँ पे इसको स्थापित करेंगे। और ये हमारे कारपेंटर साहब हैं, ऊपर का सारा काम फिनिश हो गया, नीचे वाले रूम का काम रह गया सिर्फ, जो हमारा सबसे नीचे वाला रूम है उसका भी बेड वगैरह बनना है, अलमारी बननी है। सारे कट पीस बच्चे हुए सनमाइका के, अब लास्ट रूम का काम रह गया, बाकी ऊपर के तीनों रूम का काम फिनिश हो गया। आज हमारे नीचे वाले रूम का काम हो रहा है, आज यहाँ पे बेड बनना है, एक अलमारी बननी है, साइड टेबलें बननी है, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या काम यहाँ हो सकता है। ये भी काफी बड़ा रूम है। साथियों, आज का मैच हो रहा है दाड़िमा वर्सेस दिल्ली, और दिनेश जी बैटिंग कर रहे हैं और इधर पूरन जी बॉलिंग पे हैं। और ये रही बहुत बढ़िया शॉट और बाउंड्री के बाहर ये लगा चौका। और अगली बॉलिंग पर आए हैं वैभव सिंह और बैटिंग कर रहे हैं दिनेश सिंह। और ये रही वैभव की अगली बॉल, ओ बहुत ही बढ़िया बॉल, बाल बाल बचे दिनेश सिंह, दिनेश जी बाल बाल बचे। और वैभव की अगली बॉल, ओ बोल्ड, इसी के साथ दिनेश जी बोल्ड, बहुत ही शानदार। और इस टीम की विजेता रही दिल्ली, दिल्ली वाले हमेशा झंडा गाड़ के ही रहते हैं। अब बैटिंग पर आए हैं वैभव सिंह और बॉलिंग कर रही हैं वैष्णवी। चक दे फट्टे नब दे किली, बहुत बढ़िया बॉल। शाबाश वैष्णवी, विकेट लेना है इस बार। ओ 3 सनमाइका टूट गई, बहुत ही शानदार बैटिंग। और प्रीति जी, आज ये दूध खत्म हो गया था तो ये पाउडर के दूध की चाय, एवरेडी के पाउडर दूध की चाय, इसमें क्या मजा आएगा मेरे को नहीं समझ में आ रही। चलो बना दो, इन लोगों को पी लेंगे, ये थोड़ा है बच्चा है थोड़ा सा, मेरे लिए बना देना थोड़े वाले, ठीक है मेरे लिए, मम्मी के लिए, तुम लोग पाउडर वाले, मेरे लिए भी ठीक है। अरे तुम पाउडर वाले पी लेना ना, बिल्कुल नहीं, मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ। अच्छा ठीक है, तुमको पाउडर वाली दे सकती हूँ, खुद के लिए वाली चाय चाहिए। अरे आज दूध कम आया ना, सुबह शाम को आ जाएगा। भैया बता रहे 1 ही किलो देखेंगे। अरे वो बच्चे गिरा दिए, पूरन जी बोले थे रस्ते में ना, वंशिका और आते है ना, और रस्ते में कहीं। साथियों, ये हमारे ऊपर में 2 रूम है, एक रूम हमारा फाइनल हो गया है, दूसरे रूम पे अभी तीसरा कोट कलर का लग रहा है। ये देख रहे हैं हमारे टीवी कैबिनेट, इसी के साथ अलमारी, और एक वॉल हमने ईंट की दीवार वाली रखी है, इस पे कलर लगने से बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आ रही है। ये हमारे चरण जी हैं जो पेंटर का काम करते हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, इन्होंने सारा काम हमारा संभाल दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा झंझटी और हेडेक का काम इन्हीं के पास है और काफ़ी टाइम भी लग गया इनको काम करते हुए हमारे पास। बेचारे कभी मना नहीं करते, एक एक दीवार पे 3-3 बार भी इन्होंने कलर मारा हुआ है, इनका काम बहुत ही अच्छा है। ये देख रहे हैं हमारा बेड, ये खिड़की और हमारी ये 4 सीलिंग। साथियों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारे 4 सीलिंग का कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा,
ये हमने दोनों ऊपर के रूमों में फोर सीलिंग कराई है, क्योंकि हमारी टिन की छत थी ऊपर जिसमें प्लाई लगाई थी और लोहे की पाइपें दिख रही थी, इसलिए हमने फोर सीलिंग कराई। ये हमारा वॉशरूम है, अभी इसकी पन्नियाँ नहीं उतरी हैं। बाथरूम के अंदर भी हमने डार्क शेड में ऊपर इसमें भी फोर सीलिंग कराई है। ये सारा चीज़ कंप्लीट है। पेंट पॉलिश पहले इस पर हो गया है, इसमें भी हमने फोर सीलिंग करा दी। बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका।